सीधे पॉइंट पर आते हैं कि क्या मोबाइल टावर आपके घर के बगल में होने से या आपके छत पे होने से क्या आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दरअसल हम जो मोबाइल टावर्स देखते हैं उनमें से 24/7 रेडियो वेव्स निकल रही होती हैं। आप जब किसी को कॉल करते हो तो आपका फोन आपके नियरेस्ट टावर से कनेक्ट होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स के द्वारा। रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स एक टाइप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। दोस्तों अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो या थे तो क्लास 12th में फिजिक्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक वेव्स और मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस होती है जब वे लोग एक दूसरे से परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहे होते हैं। ये एक एनर्जी प्रोपेगेशन का तरीका है, यानी एक एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। दोस्तों आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद है जो EM वेव्स को क्लासिफाई करने का बहुत अच्छा तरीका है उनकी वेवलेंथ और उनकी फ्रीक्वेंसी को देखकर। तो जो वेव जिनकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है वो होती है रेडियो वेव्स। इनकी वेवलेंथ मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक होती है। उसके बाद आती है माइक्रोवेव्स जिनकी वेवलेंथ कुछ ही सेंटीमीटर होती है। इनको एक जगह पर अगर फोकस किया जाए तो ये हीट प्रोड्यूस करती हैं। ये आपके घर के माइक्रोवेव्स में यूज होती है। उसके बाद आती है इंफ्रारेड्स जो आपके रिमोट टीवी में इस्तेमाल की जाती है। फिर आती है विजिबल लाइट। उसके बाद आती है यूवी रेज और यहीं से फ्रीक्वेंसी काफी हाई होना शुरू हो जाती है। उसके बाद एक्स रेज और फिर गामा रेज। तो दोस्तों अगर आप ये देखो तो जो EM वेव्स के बाद वाली जो वेव्स हैं यहीं से प्रॉब्लम होना शुरू होती है क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हाई होती है और वेवलेंथ इतना ज्यादा हाई होता है कि ये एक मॉलिक्यूल के अंदर की केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ सकती है और इन्हें आयोनाइजिंग रेडिएशन भी कहा जाता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन जानवरों के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए काफी खतरनाक होती है क्योंकि ये हमारे DNA के अंदर जाकर हमारे DNA के केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ सकती है जिसके वजह से हमारी सेल से म्यूटेशन होगा और एट द एंड हमें कैंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हमारे रेडिएशन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आती है तो हम 95% सेफ हैं किसी भी कैंसर या म्यूटेशन से। दोस्तों जैसे कि न्यूक्लियर एक्टिविटी से निकलने वाली जो रेडियो एक्टिविटी होती है जो कि उसकी फ्रीक्वेंसी और रेडिएशन बहुत ही ज्यादा हाई होती है, हमारे लिए खुशी की बात ये है कि हमारे डेली लाइफ वाले मोबाइल फोन, सेल फोन, टेलीफोन, टावर सारे के सारे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने सेल फोन और मोबाइल टावर्स के लिए एक सेफ रेडिएशन फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है जिससे किसी को कोई हार्म ना हो। उन्होंने फोन्स की फ्रीक्वेंसी 1.6 वाट पर केजी रखी है जो कि बहुत बहुत ही कम है एक्चुअली उस रेडिएशन से जो कि हमें हार्म कर सके। अब ये सवाल आता है कि क्या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन हमारे लिए या जानवरों के लिए किसी और तरह से हानिकारक है। साइंटिफिकली दोस्तों इस चीज पर कोई कंक्लूजन नहीं निकला है कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन हार्मफुल होते हैं। जैसे कि मैं अमेरिका की कैंसर सोसाइटी पर लिखी हुई इस आर्टिकल को दिखाऊं तो इसमें साफ साफ लिखा है कि सेल फोन टावर्स आर स्टिल रिलेटिवली न्यू एंड मेनी पीपल आर understandably concerned about whether the RF rays they will give off mightly possible have health effect. दोस्तों अगर आपका घर इस 150 मीटर से लेकर 500 मीटर के बीच में है तब ये गारंटी है कि आप डेली बेसिस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी 24 घंटे अपने बॉडी में एंटर करा रहे हो। 500 मीटर के बाद इसका उतना असर नहीं होता क्योंकि बहुत सारे अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से होकर वो वेव्स गुजर रही होती हैं। इसलिए उन वेव्स की वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है और फ्रीक्वेंसी कम। एट लास्ट मैं आपको बता दूं कि अगर आपके आसपास या आपके घर के छत पर कोई मोबाइल टावर है तो डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि इससे ऐसा कुछ नहीं होता जो किसी बड़े मात्रा में किसी लोगों को रेडिएशन से बीमारी हो जाए। क्योंकि अगर आप इस चार्ट को देखो तो आप देख सकते हो कि कैसे एक्सपोनेंशियली लोगों ने फोन का यूज करना शुरू किया है। सेम कहा जाता है कि किसी बीमारी के लिए अगर मोबाइल टावर से निकले रेडिएशन से कुछ ऐसी बीमारी होती तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही होता। जबकि जिनके घर मोबाइल टावर के पास है उन्हें अगर कुछ ऐसी बीमारी होना शुरू हो जाती तो हमें जरूर दिख जाती। दोस्तों ओवरऑल मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर सेल फोन से निकली या मोबाइल टावर से निकली कोई भी हार्मफुल रेडिएशन निकलेगी तो इसके बहुत ही कम चांसेस है। मैंने बहुत कम चांसेस कहा है, एकदम नहीं कहा है। लेकिन अगर आप इस रेडिएशन को कम से कम रखना चाहते हैं तो फोन्स को कान पर ना लगाकर बात करें, उसे थोड़ी दूरी पर रख के बात करिए क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने बॉडी पर फोन को टच करके आप बात करेंगे उतनी ही ज्यादा रेडिएशन आपकी बॉडी में एंटर होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।